लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाग के जाएगी कहाँ तू? जगह दिखाता हूँ मैं अभी। कहाँ जाएगी तू? हाँ, कहाँ जाएगी भाग के तू? अब्दुल से पंगा ले रही तू क्या? जाए, तुझे अभी मत कर। भाग रही है। समझती क्या अपने आप को? हाँ, भागेगी तू? भागेगी तू? अरे अब्दुल के पंगे में क्यों आया? क्या नहीं समझी? रुक जा अब्दुल, आज के लिए इतना बहुत है, छोड़ दे इसे। भाई जी, इस कुतिया ने मेरे पे हाथ उठाया, इसकी तो मैं। अब्दुल, छोड़ दे इसे। इसको तो मैं बाद में देख लूंगा भाई जी। क्यों भाग रही थी तू? आखिर क्या कमी है तुझे यहाँ पे? मुझे जाना था, मुझे मेरे सलीम के पास जाना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, मुझे जाना था। तो तुझे तेरी सलीम के पास भेज दूं ताकि वो तुझे किसी और कोठे पर भेज दे? नहीं, ये झूठ है। यही सच है लड़की, तेरे आशिक ने अपनी माशूका का सौदा 70,000 में किया है। नहीं, मेरा सलीम ऐसा नहीं कर सकता, ये झूठ है। मेरा सलीम मुझे धोखा नहीं दे सकता। धोखा तो तू दे रही है अपने आप। वैसे कसूर भी तेरा नहीं है, अगर कसूर है तो तेरी इस चढ़ती जवानी का कमबख्त। जवानी की आग जब शरीर को जलाती हुई दिमाग में पहुंचती है तो तुझ जैसी लड़कियां सलीम जैसे लड़कों के चुंगल में आसानी से फंसी जाती और नतीजा तुम्हारे सामने है। रोने से तेरी तकदीर बदलने वाली नहीं है रेशमा, जीनत का कोठा ही तेरी तकदीर है और आने वाला हर ग्राहक तेरा मुकद्दर। ले जा इसे। रेशमा, जीनत की बात मानोगी तो जन्नत का सुख भोगो,
और अगर ना मानी तो मैं तेरी जिंदगी को इससे भी बदतर बना दूंगी। ले जाओ इसे। हीरा भाई, हाँ? कुछ काम था आपसे। आजा आजा, चल। हाँ बोल। वो कुछ पैसे की जरूरत थी मुझे। पैसे? कितने पैसे चाहिए? कुछ 50,000 चाहिए। कुछ है रखने के लिए? हाँ है, एक लड़की है। वो तुम्हारी क्या लगती है? वो मेरी भांजी है। मामू? हाँ। क्या करती है? कुछ नहीं, 17-18 साल की है, 10वीं पास है। काम हो जाएगा। वो अपनी जीनत मैडम का हॉस्टल है यहाँ पर। हाँ। एक काम करना जी, कल 10 बजे मुझे यहीं पर मिलना। ठीक है। लेकिन लड़की को साथ लेकर, समझे? क्या नाम है लड़की का? बबली। कालिया से जीनत के गुलिस्ता में एक कली आई। सोचा क्यों ना ये खबर आप तक दी जाए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई। वालेकुम सलाम। भाई जी हैं क्या? कुछ जरूरी काम है। आइए। अरे मामू, अंदर आ जाओ, ये अपने अब्दुल भाई हैं। आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं, आ जाओ। लगता है नया पंछी लाया। जय हो भाई जी की, जय हो। क्या बात है हीरा, आजकल भड़वा गिरी छोड़कर मंदिर के बाहर बैठना शुरू कर दिया है क्या? अरे भाई जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं तुझे अपना मतलब समझाती हूँ, आ बैठ। आते ही मेरी जय जय कर शुरू कर दी। हीरा तो आपका गुलाम है, और गुलाम मालिक जय जय का नहीं करेगा तो किसकी करेगा? चल बातें बहुत हो गई है, अब कुछ काम की बातें कर लेते हैं। भाई जी, हीरा अपनी जिंदगी का बेशकीमती हीरा लेकर आया है, वो देखो। ₹50,000 पे बात पूरी तय हो जाएगी। नहीं हीरा, लड़की अभी नादान है, मैं उसकी कीमत 50,000 नहीं दे सकती। मान जाइए भाई जी, बहुत ही गरीब आदमी है, कर्ज में डूबा हुआ है, बेटी की शादी करनी है उसे। वाह रे दुनिया वाले, खुद की बेटी को डोली में बिठाने के लिए दूसरों की बेटी को कोठे पे बिठाने के लिए तैयार है। खैर, मुझे कौन सी रिश्तेदारी निभानी है? अब्दुल, वो सामने खड़े आदमी को आधा पेटी दे दे, और हीरा को उसकी दलाली, और मेरे तरफ से इनाम भी दे देना। अरे जय हो भाई जी की, जय हो। अब जय जयकार बहुत हो गई है, अब जरा उस हीरे को भी तो मेरे सामने ले आ। अभी लाया भाई जी, अभी लाया। अरे मामू। मामू जी, मामू जी, मामू जी, नहीं। बबली को इधर लेके आओ। भाई जी, आज से ये हीरा आपका हुआ। देखो बबली, ये हमारी मैडम जी हैं, इस हॉस्टल की मालकिन। आज से तुम्हें यहीं रहना है। नहीं मामा जी, हम यहाँ क्यों आए? हमें यहाँ से जाना है, ले चलिए हमें यहाँ से। अरे बबली मामा जी, सुनो, तुम यहाँ रहोगी तो अच्छे से पढ़ सकोगी, तुम्हें नाम भी तो कमाना है ना। हीरा, मुझे ये नौटंकी देखने का जरा भी शौक नहीं है। नीलो, ले जा इस लड़की को। नहीं मामा जी, हमें नहीं जाना है। मामा जी, मुझे आपके साथ जाना है। मामा जी, मुझे आपके साथ जाना है। मामा जी, मुझे यहाँ से ले चलिए। मामा जी, आप खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? अब्दुल भाई, चलो हीरा, चलो चलो भाई, चलो मामू। Thank you.
आइए कालिया सेठ, आइए। जानू, कहाँ है वो कली? कालिया सेठ, तुम हमेशा कलियों के चक्कर में रहते हो, कभी कभार फूलों के बारे में भी तो सोचा कीजिए। शहद खाने वाले गुड़ की परवाह नहीं करते हैं जानू। मान गए कालिया सेठ तुम्हारी पसंद को। सिर्फ तारीफ ही करती रहोगी या कली के दर्शन भी कराओगी? ये लो कमरे की चाबी और जाओ जी भर के दर्शन कर लो। कालिया सेठ, कली की कीमत? तू पक्की धंधे वाली हो गई रे, मान गए। ये ले गाड़ी की चाबी, डिक्की में 5 पेटी पड़ा है, किसी को भेज के मंगवा ले। किसी को क्यों भेजूं? मैं खुद चले जाती हूँ। तुम अंदर का माल संभालो, मैं बाहर का संभालती हूँ। तुम्हें कली से फूल बनाने आया हूँ। छोड़ दीजिए मुझे, देखिए मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। तुम पढ़ने आई हो ना? हाँ। और मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने आया हूँ। तुम पढ़ेगी ना? और बहुत अच्छी तरह पढ़ाओ। किसने की तुम्हारी ये हालत? मेरी फिक्र छोड़, पहले उस लड़की के बारे में सोच जो मुझे जख्मी करके भाग गई। क्या बबली भाग गई? चक्का क्या बाजी? अब्दुल बाजी, नीलू जाओ पकड़ो बबली। अरे चलो जाओ। देख तो क्या, पकड़ो इस लड़की को। ए, 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 छोड़ 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 लड़की को छोड़। आराम के पिल्लो, रुक क्यों गए? ए, ए, छोड़ छोड़, अरे छोड़ लड़की को। लड़की की फिक्र छोड़, तू अपनी चिंता कर। इसका गेम अपन को बजाना पड़ेगा। इसके पास तो घोड़ा है। अरे साहब, काहे को अपन लोगों के लफड़े पड़ता है? साहब, भाई जी ने सब 50,000 में खरीदा है, इसके खुद के मामू ने बेचा है इसे। देखिए साहब, आप शरीफ आदमी हैं, आप हमें लफड़े मत पड़िए, इस लड़की को हमारे हवाले कर दीजिए। फुटियार से देखिए साहब, इस लड़की का सौदा आपको भाई जी के साथ करना पड़ेगा। इस वक्त मैं सौदा लड़के का नहीं है, तुम लोगों की जान का कर रहा हूँ। हमारी जान का सौदा? हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कल के अखबार में न्यूज ना आ जाए कि एक लड़की को बचाते वक्त 3 कुत्तों की मौत हो गई। क्या फोट, फोट, फोट। चल ले लो, चल जगह।
इसे बाद में देख लेंगे। जा बैठ। राज, कब आओगे तुम? हफ्ते बाद। क्या? एक हफ्ते बाद? बाद में फोन करते हैं। प्रेम, हाय प्रेम, कैसे हो? जिंदा हूँ बस, जिंदगी से दूर, बहुत दूर। प्रेम, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ ना? तुम इतने बरसों के बाद मेरे घर पर आए हो, और मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा भी नहीं। आओ प्रेम, बैठो ना। क्या लोगे? चाय, कॉफी? शराब। इस घर में इतनी शराब है कि पीने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाए। लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ शराब से दूर रहने के लिए बुलाया है। अब शराब मेरी जिंदगी बन गई है सोनिया। हो सके तो इस खाली बोतल को भर दो। प्रेम, मेरी एक बात मानोगे? कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो और अपना घर बसाओ। घर तो जिंदा इंसान बसाते हैं, मुर्दा लोग नहीं। प्रेम। हाँ सोनिया, इस शरीर से आत्मा तो कब की उड़ चुकी है, सिर्फ शरीर बाकी है जलने के लिए। ऐसी बातें क्यों करते हो प्रेम? हम सब जानते हैं सुमन तुम्हारी जिंदगी में एक खूबसूरत सपना बनकर आई थी, पर सपना टूट जाने पर जिंदगी तो खत्म नहीं होती। सुमन मेरा सपना नहीं, मेरा जुनून था। अगर रोहित का ख्याल नहीं होता तो मैं सुमन के साथ खुद को भी मिटा देता। बड़ी खुशनसीब थी सुमन जिसे आप जैसे प्यार करने वाला पति मिला। जीते जी जिस प्यार पर उसका अधिकार था वो मरने के बाद भी कायम है, ये क्या कम है? सोनिया, कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं सुमन के प्यार के काबिल नहीं रहा। ऐसा क्यों सोचते हो प्रेम? सुमन की याद से बचने की खातिर शराब का सहारा लिया। शराब से जब पैर लड़खड़ाने लगे तो जवान जिस्मों का सहारा लिया। यह शराब और औरत मेरी कमजोरी बन गई है सोनिया। प्रेम, मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से जानती हूँ। तुम उस चंदन के वृक्ष के समान हो जिस पर बुराई के लाख सर्प लिपट जाने पर भी तुम्हारे अंदर बुराई नहीं आ सकती, और शायद इसी वजह से हम तुम्हें मन ही मन में प्यार भी किया करते थे और तुम्हें पाना भी चाहते थे। मगर ये प्रेम रूपी चंदन तो शायद सुमन के ही नसीब में था, सो उसे मिल गया। मेरे नसीब में तो कांटों का वो जंगल है जहाँ दर्द और तन्हाई के सिवाय कुछ भी नहीं है। मगर जब मुझे तुम्हारे दर्द के बारे में पता चला तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी ताकि तुम अपना दर्द भुला सको। अरे प्रेम, ये चोट कैसे लगी? मुझे जाना होगा। ये अधूरी रात चाहे पूरी हो ना हो, पर हम तो दिल से यही दुआ करेंगे कि तुम्हारी अधूरी जिंदगी पूरी हो जाए, कोई ऐसा मिल जाए जिससे तुम्हें प्यार हो जाए। इस जन्म में तो ये नामुमकिन है।
काका आप सोए नहीं अभी तक? आपके बाहर होते भला मुझे कैसे नींद आ सकती है? हर वक्त चिंता लगी रहती है आपकी। अरे आप मेरी चिंता छोड़िए, जो अंदर है उसकी चिंता कीजिए। कौन है कार के अंदर? चाचा मैं चलता हूँ। प्रेम बाबू को कैसे समझाए कि घर एक मंदिर है जहाँ मालकिन की आत्मा बसती है। इन बाजारू लड़कियों को यहाँ लाकर मालकिन की आत्मा को दुख पहुंचता है। कौन है आप? आजा बेटी, बाहर आजा, आजा, आजा बेटी, चलो, चलो बेटी। ये कौन सी जगह है बाबा? और आप कौन हैं? बेटी, पहले मंदिर चलते, फिर हम अपना नाम और काम बताएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मुझे नहीं जाना। बेटे ऐसा नहीं कहते, मैं आपके पिता समान हूँ, चलो अंदर चलते। नहीं, अब तो पिता जैसे रिश्ते पर से भी विश्वास उठ गया बाबा। बेटी, पिता उस रिश्ते का नाम है जिसे ईश्वर का वरदान कहा गया है। ये वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया बाबा। जिस इंसान को मैंने पिता से बढ़कर माना उसी ने मुझे वेश्या के कोठे पर बेच दिया, और यहाँ लाने वाला इंसान भी मेरी कीमत देकर मुझे लाया बाबा। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए, चलो अंदर चलते। लेकिन वो आदमी जो मुझे... बेटी तू प्रेम की चिंता मत कर, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तू जो सोचती है वैसा प्रेम नहीं है। हे, हे, हे।
सुमन, देखो तुम्हारे बगैर मेरा क्या हाल हो गया। जिंदगी एक बोझ सी बन गई है। अब इस जिंदा लाश की बोझ को और नहीं उठा सकता मैं। सुमन, सुमन मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपने पास बुला लो सुमन। तुम्हारे बगैर जिंदगी बेमानी सी लगती है मुझे। जी करता है खुद को मिटा दूं, अपने आप को मिटा दूं, लेकिन तुम्हारे साथ किए गए वादे से मजबूर हूं मैं। मुझे अपने पास बुला लो सुमन, मुझे अपने पास बुला लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सुमन, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। इसी तरह प्रेम बाबू का प्यार भरा संसार तहस नहस हो गया। सुमन बहू क्या कही, मानो प्रेम की जिंदगी चली गई। प्रेम की यह हालत मुझसे देखी नहीं जाती। जिस प्रेम को इन आंखों ने फलते फूलते देखा, उसे यूं ही बिखरते हुए नहीं देख सकता मैं। अब ऊपर वाले से यही प्रार्थना है, मेरी सांसों की डोर टूटने से पहले प्रेम बाबू जीना सीख ले, वरना वरना मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। बाबा, बाबा, मैं तो समझती थी कि इस संसार में सबसे ज्यादा दुख मेरे नसीब में है, लेकिन आपके मन का दर्द देख मैं अपने गम भूल गई। मेरा क्या है बाबा, ना कोई आगे ना कोई पीछे और ना ही कोई जीने का मकसद, लेकिन आपने मुझे अपनी बेटी बनाकर जीने का मकसद दे दिया बाबा। कैसा मकसद बेटी? बेटी होने के नाते पिता की इच्छा पूरी करना ही अब मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है बाबा। बस आप मेरा साथ दीजिए, फिर देखिए मैं आपके प्रेम बाबू को कैसे पहले जैसा प्रेम बनाती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है बेटी? ऐसा ही होगा बाबा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तुम चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। जो मैं चाहूंगी वो मुझे मिलेगा? हाँ हाँ बेटी। सोच लीजिए बाबा, कहीं ऐसा ना हो कि हम अब से आपके प्रेम बाबू को ही मांग लें। क्या? मैं तो मजाक कर रही थी बाबा। बेटी अब सुबह होने वाली है, तुम सो जाओ। जी। मैं प्रेम बाबू के कमरे से होकर आता हूँ। जी। खून! प्रेम बाबू, प्रेम बाबू यह क्या हो गया? कुछ नहीं होगा काका, आप जाके सो जाइए, मुझे सुमन के पास जाना है। सुमन! हे भगवान, मैं अब क्या करूं? डॉक्टर साहब को फोन करना चाहिए। क्या हुआ बाबा? बेटी, प्रेम बाबू के पैर में शीशा लग गया। हे भगवान, इतना खून! नहीं, एक मामूली सी चोट है। ये मामूली सी चोट है? इतना खून निकल रहा है। मुझे डांट क्यों रही हो? आप बड़े लाड साहब हो ना कि हम आपको डांटे भी नहीं। क्या जरूरत थी मस्ती करने की? ये मस्ती नहीं बाबा, आपकी तस्वीर यहाँ लगा रहा था। जब हम आपके सामने पूरे जिंदा खड़े हुए तो इस बेजान तस्वीर से क्या लेना देना है? चलो छोड़ो,
काका तुमसे कहा था ना जाके सो जाओ, छोड़ दो मेरा पैर। नहीं छोड़ूंगी पैर, चुपचाप लेटी रहिए। कौन हो तुम और इस तरह डांटने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? आप अपने आप को समझते क्या है? आप कोई लाट साहब हैं जिन्हें डांटने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़े? आप बड़े लाट साहब हो ना कि हम आपको डांटे भी नहीं, क्या जरूरत थी मस्ती करने की? मामूली सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। मामूली सा बुखार है प्रेम, मैं हॉस्पिटल जाके दवाई भेज देता हूँ। चिंता मत करो रामलाल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा प्रेम, चलता हूँ। अब कैसा लग रहा है प्रेम बाबू? मुझे शराब चाहिए। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हैं प्रेम बाबू? देखो, शराब ही मेरी जिंदगी का सहारा। शराब सहारा नहीं बल्कि बेसहारा कर देगी उस जिंदगी को जो जिंदगी आपसे जुड़ी है। अब किसी की जिंदगी मेरी जिंदगी के साथ नहीं जुड़ी है। क्यों, रोहित आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है? रोहित का ख्याल ही मेरे और सुमन के बीच दीवार बन चुका है काका, वरना कब का खुद को खत्म कर दिया होता। रोहित का अगर इतना ही ख्याल है तो छोड़ क्यों नहीं देते शराब को? काका, शराब मेरी कमजोरी नहीं मजबूरी बन चुकी है। प्रेम बाबू, आपको बातों से जितना मुश्किल है। ये पट्टी आपने बांधी? मैंने नहीं बांधी पट्टी। फिर किसने बांधी? मैंने बांधी है। मेरी दादी कहा करती थी कि गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से शरीर का सारा दर्द कम हो जाता है। आपकी तारीफ? हम अपनी तारीफ बाद में करेंगे, पहले आप ये दूध तो पी लीजिए। वही लड़की तो नहीं हो जिसे मैंने गुंडों से बचाया था? जी हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने गुंडों से बचाया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी दूध पी लीजिए। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि आप बार बार मुझे दूध पीने के लिए डांट रही हैं। मुझे पता है कि आप बच्चे नहीं बच्चे के पिता हैं, लेकिन हरकतें तो आप बच्चों जैसी कर रहे हैं ना। प्रेम बाबू, ये दूध नहीं बल्कि दवा समझ कर पीजिए। आप भी ना काका। प्रेम बाबू, कभी कभी दूसरों की खुशी में अपनी खुशी होती है। काका, ये मेरा घर है, कोई अनाथाश्रम नहीं। शराब की नशे में की हुई गलती मैं दोहराना नहीं चाहता। इसे कहीं दूर ले जाइए, अनाथाश्रम ले जाइए। प्रेम बाबू, बबली बहुत अच्छी लड़की है, उसे यही रहने दीजिए, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। नहीं बाबा, अगर मेरे यहाँ रहने से आपकी तकलीफ बढ़ती है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मकान बड़ा होने से ये जरूरी तो नहीं कि मकान मालिक का दिल भी बड़ा हो, और जिसका दिल छोटा हो वहां मुझे भी रहना पसंद नहीं। मकान बड़ा होने से ये जरूरी तो नहीं कि मकान मालिक का दिल भी बड़ा हो, और जिसका दिल छोटा हो वहां मुझे भी रहना पसंद नहीं। इसे यहां रहने दीजिए। सच प्रेम बाबू? हाँ, और हो सके तो रोहित से मिल लेना, आज मैं उसे मिल नहीं पाऊंगा, उसे बुरा लगेगा। जी अच्छा। बेटी, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रेम बाबू ने खुद मुझे कहा है, अब बबली यही रहेगी। सच बाबा? मैं जानती थी बाबा कि प्रेम बाबू मुझे अपने घर से नहीं निकालेंगे। वो क्यों? वो ऐसे प्रेम बाबू बिल्कुल नारियल की तरह है, बाहर से सख्त और अंदर से एकदम नरम, बिल्कुल मक्खन जैसे। बेटी, बरसों बाद आज मैंने पहली बार प्रेम बाबू के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, दिल को कितना सुकून मिला ये मैं बोल नहीं सकता। बाबा, प्रेम बाबू की मुस्कुराहट देखकर आप रो दिए? जरा सोचिए, जब हम प्रेम बाबू को हंसना सिखा देंगे अब आपका हाल क्या होगा। उस दिन खुशी से मैं पागल हो जाऊंगा। बेटी, आज रविवार है
हर रविवार प्रेम बाबू रोहित से मिलने हॉस्टल जाते। आज मुझे जाना होगा। बाबा मैं भी चलूंगी। अरे तुम वहाँ जाकर क्या करोगी बेटी? बाबा हम रोहित को करीब से देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि आखिर रोहित में क्या बात है जिसके लिए प्रेम बाबू जीने पर मजबूर हो गए। काका पापा नहीं आए। बेटा तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आ सके। मैं जानता था पापा ने फिर ज्यादा शराब पी ली होगी। कितनी अफसोस की बात है पापा को मुझसे ज्यादा शराब पियानी है। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये आपसे किसने कह दिया कि आपके पापा आपसे प्यार नहीं करते? आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। काका इनकी तारीफ। ये मेरी बेटी है बबली। लेकिन आपने तो कभी बताया नहीं था कि आपकी भी कोई बेटी है। कैसे बताते, मैं कल रात को ही तो पैदा हुई। मेरा मतलब कल रात को आपके पापा मुझे ढूंढ कर ले आए, इस तरह मैं अपने बाबा से मिल गई। लेकिन आप अपने पापा से मिलने घर कब आ रहे हैं? जिस दिन वो शराब पीना छोड़ देंगे। बस इतनी सी बात? अगर हमने आपके पापा की शराब छुड़ा दी तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो आप चाहेंगे हम आपको दे देंगे। सोच लो रोहित, कहीं हम आपसे आपकी कोई बहुत कीमती चीज ना मांग ले। हम अपने पापा को बहुत खुश देखना चाहते हैं। उनकी खुशी के लिए हम कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं। तो फिर ठीक है, हमें आपके पापा की शराब छुड़ाने के बदले में आपको हमसे दोस्ती करनी होगी। फ्रेंड्स? आप बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी बात करती हैं। जय हो सरकार की, सरकार की जय हो। अरे सरकार, ये आपके पैरों को क्या हो गया? कुछ नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगा। बैठो, कहो कैसे आना हुआ? बस सरकार, फैक्ट्री गया था तो पता चला कि आप घर पे आराम फरमा रहे, सोचा घर पर ही जाकर मिल लूं। ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जो फैक्ट्री छोड़ के आना पड़ा? सरकार, बाजार में एक नया नगीना आया है, ये रही उसकी तस्वीर। इससे पहले कि इस नगीने पर किसी और की नजर पड़े, हम चाहते हैं कि इसे आपकी खिदमत में पेश किया जाए, अगर आपकी इजाजत हो तो। शाम को इस नगीने को ले आना और अपनी कीमत ले जाना। सरकार आप तो असली जौहरी हैं, बस यूं समझिए कि आज शाम को ही ये नगीना आपके आगोश में होगा। ठीक है, चलता हूं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। डार्लिंग, डरते वो लोग हैं जिनके मन में चोर होता है। अच्छा, ये भी खूब रही। एक तो खुद ही चोरों की तरह आते हो और इल्जाम हम पे लगाते हो, ये तो नाइंसाफी है। नाइंसाफी तो तुम कर रही हो मेरे साथ। मेरे इतने करीब होने के बावजूद मुझसे इतनी दूर खड़ी हो। आ सजा। नहीं, मुझे तुम्हारे बदन से किसी गैर मर्द की बू आ रही है। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। हम सच्चाई जानना चाहते हैं सोनिया, हमारी गैर मौजूदगी में कौन है जो तुम्हारे जिस्म के साथ खेलता है? बताओ कौन है वो? हाँ, हर रात बाजारों औरतों के साथ रात बिताने वाले इंसान से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? सोनिया,
चिल्लाओ मत, चिल्लाने से तुम्हारी सच्चाई नहीं बदल सकती, हम सब जानते हैं। पर खामोश है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी खुशी में हम अपनी खुशी समझते हैं, लेकिन आपने कभी हमारी खुशी के बारे में सोचा है? आप तो महीने महीने हमसे दूर अपनी रातें रंगीन करते हैं। कभी सोचा है हमारी अंधेरी बेजान बेरंग जिंदगी के बारे में? आप सोच भी कैसे सकते हैं, हम तो आपकी पत्नी है ना? नहीं, हम आपकी पत्नी नहीं है, हम तो आपके गुलाम है। और गुलामों से भी कोई प्यार करता है उन्हें तो सजा दी जाती है जो हम बरसों से भुगत रहे हैं। तुम्हारी बातों से मुझे बेवफाई की गंध आ रही है सोनिया। मुझे मत मारो राज, मैं सच कह रही हूँ, प्रेम से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आगे बोलो। वो मेरा दोस्त है कॉलेज के जमाने का। तो तुम्हारा दोस्त यहाँ क्या करने आया था? प्रेम बहुत तकलीफ में था इसीलिए वो यहाँ आया था। अच्छा, वो अपनी तकलीफ तो दूर कर गया मगर अफसोस तुम्हारी तकलीफ बढ़ा गया सोनिया। प्रेम, हाँ, प्रेम, हाँ, प्रेम, हाँ, अपने यार को घर बुला दिया, यार को घर बुला दिया, मुझसे बचा, उसको भगा कर दिया, यार को घर बुलाएगी, प्लीज रुक जाओ, मैं बाहर के लिए रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज मुझे इस दर्द से मुक्ति दे दो, मुझे गोली मार दो, मुझे गोली मार दो, प्लीज। प्रेम बाबू, ये लीजिए गरम गरम पकौड़े। काका, क्या जरूरत थी, खामखा आपने तकलीफ की। प्रेम बाबू, ये पकौड़े मैंने नहीं बबली ने बनाए हैं। मुझे नहीं चाहिए। बबली का दिल रखने के लिए एक पकौड़ा तो खा लीजिए। रख देना। बबली की हाथों में जादू है। काका, बबली को लेकर घूमाइए। इसका मतलब है हीरा यहाँ आया था। जय हो सरकार की। काका, हीरा आया नहीं था, हीरा आ गया है और प्रेम बाबू की खुशियां भी साथ लाया है। तुम तो काका जाओ। क्या बात है, इस उम्र में ये तेवर हैं तो जवानी में क्या आलम होगा। जो लोग जवानी में कुछ नहीं करते वही लोग बुढ़ापे में तेवर दिखाते हैं। प्रेम बाबू, ये है वो नगीना, नाम है जूली, और काम बाद में देखेंगे, फिलहाल मुलाकात करते हैं। काफी मंझे हुए खिलाड़ी लग रहे हो आप, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं। ये तो खेल के बाद पता चलेगा कौन कैसा खिलाड़ी है। सरकार, खेलने के लिए पूरी रात बची है, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। तुम सुधरोगे नहीं। जय हो सरकार की। देखो जूली, कोई शिकायत का मौका मत देना प्रेम बाबू को। शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं। अच्छा प्रेम बाबू, मैं चलता हूँ, बहुत जल्द आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। जय हो सरकार की। प्रेम बाबू, खेल की शुरुआत यहीं से की जाए या अंदर चले? तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, हम आते हैं। ये वही आदमी है जो प्रेम बाबू को बुराई के रास्ते पर ले गया है। अगर ये यहां आता रहा तो प्रेम बाबू को बदलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। शांत हो जाइए बाबा, बुराई का भवंडर कितना ही ऊंचा क्यों ना हो लेकिन वो सूरज को छू नहीं सकता। बेटी, यहाँ वासना का घिनौना नाश शुरू होने के पहले
हम लोग चलते हैं। नहीं बाबा, आपको जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों बेटी? बाबा, हम प्रेम बाबू को करीब से देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर वो कौन सा दलदल है जिसमें प्रेम बाबू डूबते ही जा रहे हैं। तुम्हें देखना है तो देख ले बेटी, पर अब इन बूढ़ी आंखों में ये सब देखने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं। अभी तो मुझे बहुत कुछ देखना है बाबा। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह नंगी खड़ी हो? अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? अरे दूसरों का ना सही, कम से कम अपने बदन का तो ख्याल करो। मेरी जान, यही वो शरीर है जिसे देख मर्द नाम का शेर दुम हिलाता हुआ हमारे पीछे हमारी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाता है। तुम क्या कह रही हो, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। जिस दिन जवानी के दहलीज पर कदम रखोगी उस दिन तुम्हें मेरी बातें समझ में आएगी। Thank you.
सोनिया, प्लीज मुझे मत मारो। हमें माफ कर दो सोनिया, माफ कर दो। हम शायद ये भूल गए थे कि पति पत्नी का रिश्ता दर्द बांटने के लिए होता है, ना कि दर्द देने के लिए। कभी कभी हम अपनी झूठी शान में वो कदम उठाते हैं जो गलत होता है। सोनिया, हम लोग जिस हाई सोसाइटी में रहते हैं उसमें मर्द के नाजायज रिश्ते को तो नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि औरत के जायज रिश्ते को भी बुरी नजर से देखा जाता है। क्यों राज, आखिर क्यों? एक औरत और एक मर्द के बीच इतना फर्क क्यों होता है? अगर एक मर्द खुलेआम अयाशी करे तो उसे इज्जत की निगाहों से देखा जाता है, और अगर एक औरत अकेली घर की चार दीवारों में होती है तो उसे शक की निगाहों से देखा जाता है। क्यों राज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि औरत मर्द का वजूद होती है, और अगर वजूद पर ही दाग लग जाए तो राज, I love you. क्या हुआ काका, सुबह से आप मिलने भी नहीं, बात भी नहीं की। आपका नाराज होना भी जायज है, मेरी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। चलो ठीक है, माफ किया, आप भी क्या याद रखेंगे। इस लिबास में तन ढकने के लिए जो मिल जाए वही ठीक है, पर लगता है आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं है। क्या बात है प्रेम बाबू, इसके लिए कपड़े खरीद लेना। बाबा, कपड़े तो मैं तभी पहनूंगी जब प्रेम बाबू खुद मेरे लिए खरीद कर लाएंगे। सर, मैं भी तो देखूं प्रेम बाबू की पसंद कैसी है। पागल लड़की है। पागल तो मैं हूं ही। बेटी, प्रेम बाबू को इस तरह तंग मत कर। अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाजार चलते, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं। बाबा, कपड़े की चिंता आप मत कीजिए, वो तो प्रेम बाबू शाम को मेरे लिए जरूर खरीद कर लाएंगे। इतना भरोसा है प्रेम बाबू पर? खुद से ज्यादा। बस देखना ये है कि मेरे भरोसे पर प्रेम बाबू खरे उतरते हैं या। सोनिया, सोनिया कहाँ हो तुम? अरे प्रेम, बैठो ना। घर में बैठने के लिए नहीं आया, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। पर कहाँ? बाद में बताता हूँ, पहले तैयार तो हो जाओ।
प्रेम, इनसे मिलो, ये मेरे पति मिस्टर राज। ओह, मिस्टर प्रेम, हाउ आर यू? हेलो मिस्टर राज, नाइस मीटिंग यू। आप तो ऐसे चौंक गए जैसे आपकी चोरी पकड़ी गई हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप दोनों कॉलेज के दोस्त हो ना, तो मैंने सोचा थोड़ी सी रैकिंग हो जाए। प्रेम बैठो, इनकी बातों का बुरा मत मानना। नहीं सोनिया, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? जिस काम के इरादे से आए हो उसको तो पूरा करते जाइए। कैसा काम? आप सोनिया को कहीं ले जाने की बात कह रहे थे। वो बबली के लिए कपड़े खरीदने, सोचा सोनिया साथ आएगी तो कपड़े खरीदने में आसानी हो जाएगी। ये बबली कौन है? अरे आप लोग सारी बातें यहीं कर लोगे तो रास्ते में क्या बातें करोगे? हाँ सोनिया, तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। जी मैं देखो, अगर आज तुम नहीं गई तो मेरा शक यकीन में बदल जाएगा। चलो प्रेम। किन ख्यालों में डूबी हो बेटी? बाबा, पता नहीं क्यों एक डर सा लग रहा है। सोचती हूँ कहीं मेरी वजह से प्रेम बाबू किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। बाबा, अगर मेरी वजह से प्रेम बाबू को जरा भी तकलीफ हुई तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्रेम बाबू को गुनाहों की दलदल से निकालने वाली बबली इतनी कमजोर नहीं हो सकती। कमजोर तो वो लोग होते हैं बाबा, जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। प्रेम बाबू ने मेरी इज्जत बिकने से बचाई। अब मेरा एक ही मकसद है, प्रेम बाबू की खुशियों को वापस लाना, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़े। बड़ी सयानी हो गई मेरी बिटिया, अब मुझे पूरा यकीन है प्रेम बाबू अपनी दुनिया में वापस आ जाएंगे। हाँ बाबा, प्रेम बाबू की खुशियों को वापस लाने के लिए कुछ लोगों को मुझे उनके रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। वो देखिए, मैं इस हीरा का सर फोड़ दूंगा। नहीं बाबा, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बाबा आप कुछ देर के लिए यहाँ से चले जाइए, इसे तो मैं देख लूंगी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। बाबा मुझे कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखिए। सांप को मारने के लिए मुझे नेवला बनना ही पड़ेगा। बाबा, बाबा ये समय सोचने का नहीं है, आप जाइए यहाँ से, आपको मेरी कसम। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। अरे काका, ओ काका, प्रेम बाबू, अरे मालिक कहाँ हो? कमाल है, प्रेम बाबू फैक्ट्री में भी नहीं है, कहाँ गए होंगे? इसे ढूंढ रहे हो हीरा? बबली, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो मैंने पाईजी के कोठे पे बेच दिया था ना। लेकिन मैं क्या करती, मेरी किस्मत में कोठा नहीं प्रेम बाबू का घर लिखा था, सो मैं यहाँ चली आई। लेकिन हीरा, किस्मत भी यहाँ दगा दे गई। अरे करम जली, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो तू इतने बड़े घर में पहुंच गई। लेकिन क्या फायदा हीरा, प्रेम बाबू को कली नहीं खिला हुआ फूल पसंद है। मेरी तरफ तो वो आंख उठाकर भी नहीं देखते। पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। प्रेम बाबू दिखाई नहीं दे रहे? प्रेम बाबू दो दिन के लिए बाहर गए हैं। वैसे हीरा, क्या तुम मुझे इन दो दिनों में कली से फूल बना सकते हो? दो दिन में नहीं, मैं तुझे 2 घंटे में कली से फूल बना दूंगा। 2 घंटे में? वो कैसे? वो Oh,
लोग कहाँ जा रही है? तू तो कह रही थी कि प्रेम बाबू बाहर है। क्या बात है हीरा, यूं ही देखते ही रहोगे क्या? कुछ करोगे भी? बबली, आप कौन है? मैं प्रेम की दोस्त हूँ। कुछ देर पहले तक हीरा भी प्रेम बाबू का बहुत अच्छा दोस्त था। इसका मतलब तुमने हीरा को? छोड़ दीजिए इसके गंदे खून से अपने हाथ खराब मत कीजिए। जिसकी औकात घर की दहलीज पर खड़ा होने की नहीं है उसे आपने अपने घर में आने की इजाजत दी। बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी। इसे धक्के मारकर बाहर निकाल देना, वापस दिखाई दिया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। जी तो करता है तेरा टेटुआ दबा के हमेशा के लिए किस्सा खत्म कर दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? जा दबाओ, जा दबाओ, जा यहां से। वाह, तुम तो इस ड्रेस में बिल्कुल परियों की शहजादियों से लग रही हो। ऊपर वाला तुमको बुरी नजर से बच जाए। बबली, तुम प्रेम के बारे में क्या सोचती हो? क्या तुम? मेरी फिक्र छोड़िए, आप पहले आप ये बताइए कि आप प्रेम बाबू की लगती क्या है? मैं तो प्रेम की बचपन की दोस्त हूँ, उसके सुख दुख में साथ देने वाली, नाम है सोनिया। किस सुख की बात करती हैं आप? जब से हमने प्रेम बाबू को देखा है उनके चेहरे पर दुख के सिवाय और कुछ भी नजर नहीं आता। दोस्त बनकर दूर से तमाशा देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी आपने करीब जाकर उनके गमों को दूर करने की कोशिश की?
प्रेम बाबू मेरी जिंदगी में फरिश्ते की तरह आए और मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। अब मैंने भी फैसला किया है कि खुद तो बर्बाद हो जाएंगे लेकिन प्रेम बाबू की जिंदगी आबाद करके जाएंगे। ऊपर वाला तुम्हें बुरी नजर से बचाए। आखिर पसंद किसकी है? ये कपड़े आपकी पसंद के हैं? ये कपड़े मेरी पसंद के नहीं हैं, बल्कि प्रेम की पसंद के हैं। क्यों प्रेम, कैसी लग रही है बबली? चलो देर हो चुकी है, तुम्हें घर छोड़ता हूँ। थैंक यू। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, ये कपड़े सोनिया ने लिए, मैंने नहीं। प्रेम, बबली तुमसे कुछ कहना चाहती है। वो हीरा से आपने मुझे बचा लिया, वरना आज तो इसके बाद हीरा इस घर में नहीं दिखाई देगा। चलो आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। बबली, ऐसी बातें तो वही करते हैं जिनके सिर पर प्यार का जुनून सवार होता है। कहीं तुम प्रेम से प्यार तो? प्रेम बाबू मेरे लिए ईश्वर के समान है, मैं उनकी पूजा करती हूँ। और जरूरी तो नहीं कि ईश्वर भी अपने भक्तों से उतना ही प्यार करे। बबली, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता बहुत कठिन है। तुम अभी उम्र से छोटी हो और शरीर से भी। सोनिया जी, अगर हौसला बुलंद हो तो बिल्ली भी शेर से टकरा जाती है। तुम्हारा हौसला देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। बबली, तुम जिस दिन प्रेम को प्यार करने से मजबूर कर दोगी उस दिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। अच्छा मैं चलती हूँ। राज, राज कहाँ हो तुम? ये अंधेरा कैसा? मैं यहाँ हूँ सोनिया। राज, हमसे कोई गलती हो गई क्या? हम तो प्रेम के साथ। मुझे यकीन हो गया सोनिया, गुनहगार तुम नहीं मैं हूं। राज, ये सच है सोनिया, आज आज तुमने मुझे दो खून करने से बचा लिया। क्या, दो खून? हाँ दो खून, एक तुम्हारा और दूसरा प्रेम का। इसका मतलब? मतलब साफ है सोनिया, तुम्हें प्रेम के साथ भेजने के पीछे मेरा एक ही मकसद था। मैंने तुम्हारा पीछा किया, परछाई की तरह मैं तुम्हारे साथ रहा। तुम्हारी और प्रेम की गलती और दो जिंदगियां खत्म। और अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे दिमाग पे जो शक का पर्दा था तुमने उसे खत्म कर दिया। सोनिया, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि गलती मेरी है और उसकी सजा मैं तुम्हें देने जा रहा था। नहीं राज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती है सोनिया, गलती है, बहुत बड़ी गलती है। शादी के बाद जो वक्त मुझे तुम्हारे साथ बिताना चाहिए था वो मैं अय्याशी में बर्बाद करता रहा। जिस प्यार पर तुम्हारा हक था उसे मैं बाजारू औरतों पर लुटाता रहा। छी! मेरे अनगिनत गुनाहों को जानने के बावजूद भी तुम खामोश रही और मैं एक खुदगर्ज और मतलबी इंसान था जिसने सिर्फ शक की बुनियाद पर तुम्हें मारने का फैसला कर लिया। नहीं सोनिया, तुम्हारी एक गलती की सजा मौत है तो मेरी अनगिनत गलतियों की क्या सजा होनी चाहिए? जवाब दो, बोलो सोनिया, जवाब दो। तुम जवाब देना नहीं चाहती पर मेरे पास जवाब है, मेरे पास जवाब है। ये क्या पागलपन है राज, अगर गोली चल जाती तो क्या हो जाता? मेरे गुनाहों का प्रायश्चित हो जाता और क्या? ऐसे कभी दोबारा मत करना राज, हम आपकी नफरत के सहारे जी सकते हैं लेकिन आपकी विधवा बनकर एक पल भी नहीं जी सकते राज, हम नहीं जी सकते। ओ, सोनिया, सोनिया।
सोनिया मुझे माफ कर दो, तुम्हें दुख देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। दिल निकाल कर रख दिया है मेरा और कहते हैं दुख देने का इरादा नहीं था। मैं तो सिर्फ प्रायश्चित करने की। प्रायश्चित का मतलब समझते हैं आप? पछतावे की अग्नि में जलकर जो इंसान प्रायश्चित करता है वो अपने हर पाप से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब कि तुमने मुझे माफ कर दिया? हम आपको इस तरह माफ नहीं करेंगे राज। पहले आप हमें अपनी बाहों में इस कदर समेट लो कि बरसों से जलते हुए इस बदन को राहत मिल सके। ओ सोनिया। यादों का झोंका तेरी दिल में फिराया, मचले है यार माँ दिल गुनगुनाया। हो कम बख्त मौसम छेड़े है ये पवन, सुलगी है फिर से तुझे क्या पता मैं कितनी तकलीफ में हूँ, कितना परेशान हूँ, मैं तुझे नहीं बता सकता। नाटक बंद करो, तुम्हारे इंतजार में पूरी शाम खराब कर चुकी हूँ और प्लीज रात खराब नहीं करना चाहती। अरे तुझे अपनी रात की पड़ी है या मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है? मजाक नहीं हीरा। अच्छा बताओ मेरी बुकिंग का क्या हुआ? प्रेम बाबू ने कहाँ बुलाया है मुझे, होटल में या घर पे? बताओ ना। समझ गई, तू अपनी दलाली बढ़ाना चाहता है। आजकल हम जैसे रंडियों से ज्यादा तुम जैसे दलालों का भाव बढ़ गया है। अगर तुम लोगों के बस में आए तो धंधा करना शुरू कर दें। अरे चुप कर मेरी माँ, एक काम कर, ये ले प्रेम बाबू का नंबर, उन्हें फोन कर और खुद चली जाओ उनके पास। और हाँ, मुझे मेरी दलाली भी नहीं चाहिए, वो भी हिस्सा तू ही रख लेना। ओहो, हिस्से की तो बात ऐसे कर रहा है जिसे खुद प्रेम बाबू के पास जाके सो के आया हो। अरे हे भगवान, इस लड़की को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, बस अपने कस्टमर की परवाह है। हेलो। हाय प्रेम, कैसे हो? कौन? तुम्हारी लैला। ये किसी मजनू का घर नहीं है, ये प्रेम बाबू का घर है। से नहीं बल्कि आपसे काम है कुछ खास। देखो मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए तो मैंने फोन किया है। अच्छा तो आ जाओ। क्या हुआ बाबा? जरा सी उंगली कट गई। आपको किसने कहा था सब्जी काटने के लिए? मेरे होते हुए आपको किचन में काम करने की जरूरत ही क्या है? मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। बाबा आपको एक खराश भी आ जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पगली गई की, चल
जल्दी से खाना बना लेते, प्रेम बाबू को भूख लगी होगी। आप बाहर जाकर आराम कीजिए, खाना मैं बनाती हूँ। पर बेटी तुम अकेले? आप यहाँ रहेंगे तो खाम का काम बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। अब जाइए। ठीक है बाबा, जाता हूँ, पर डांटती क्यों हो? ये मुसीबत कहाँ से आ गई? सब समझ गई बाबा। बाबा अब आप किचन संभालिए, बाहर वाली को तो अब मैं संभालती हूँ। तुम कौन हो? प्रेम बाबू कहाँ है? जी मेरा नाम बबली है, प्रेम बाबू ने कहा था। क्या नाम बताया आपने? लैला। हाँ हाँ याद है, लैला। प्रेम बाबू ने कहा था लैला को पहले अंदर लाना फिर ठंडा पिलाना। सच प्रेम बाबू ने ऐसा कहा? आपकी कसम, नहीं इस शरबत की कसम। लाओ। शरबत कुछ कड़वा था? नहीं नहीं वो कोकम का था ना, इसलिए। आइए मैं आपको प्रेम बाबू के कमरे तक छोड़ देती हूँ। कमरे तक आने की जरूरत नहीं, तुम मुझे दूर से दिखा दो। ठीक है आपकी मर्जी। वो रही सीढ़ियाँ जो आपको सीधे ऊपर तक पहुँचा देंगी। मेरा मतलब प्रेम बाबू के कमरे तक। प्रेम बाबू बैठो। दर्दे दिल की दवा ढूंढता हूं, साकी शराब में न सही, शराब में तो है। बेटी मुझे लगता है तुमने जमाल गोटा कुछ ज्यादा ही मिलाया था शरबत। बाबा ज्यादा इसलिए मिलाया था ताकि असर जल्दी हो। इससे तो उसकी जान भी जा सकती है। जान जाए तो जाए ना बाबा, किसे परवाह है। मैं प्रेम बाबू की जिंदगी से हर बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। क्या हुआ? बाथरूम? बाबा बड़ी देर हो गई, अब तक तो दवा असर कर देनी चाहिए थी। सबर कर बेटी, जो दवा तूने उस लड़की को दिए उसमें तो चार पहलवान चीत हो जाएंगे, तो फिर उस लड़की की क्या औकात? हाँ? बाबा दवा असर कर गई। दवा तो असर कर गई, अब उस लड़की का क्या होगा? काका, क्या हुआ प्रेम बाबू? ये सुमन की तस्वीर पर हार किसने चढ़ा? ये अगरबत्ती, ये दीपक? मैंने लगाया है। प्रेम बाबू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हार चढ़ाने की? काका बताइए, इसे समझाइए। हार उनकी तस्वीर पर चढ़ाया जाता है जो मर चुके हैं, जिनकी रूह पनाह हो चुकी है। मेरी सुमन मरी नहीं है, जिंदा है। इस घर की हर दीवार में, हर चीज में, यहां तक कि मेरी सांस में, मेरी धड़कन में जिंदा है वो। अगर फिर से तुमने ऐसी हरकत की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं जानती थी कि आप सुमन जी को बहुत प्यार करते हैं, और आज देख भी लिया। इसका मतलब है तुम जानबूझकर? जी हाँ, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है ताकि मैं आपकी बंद आंखें खोल सकूं। क्या बकवास कर रही हो तुम? प्रेम बाबू,
हमारा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। सुमन जी की जिंदगी की जोत बुझ जाने के बाद आप भटक गए होंगे, बस यही सोचकर मैंने ही दिया जलाया ताकि आप फिर से वही जिंदगी जी सके जो आपने सुमन जी के साथ गुजारी थी। प्रेम बाबू जरा सोचिए, जिस घर को सुमन जी ने अपने प्यार की खुशबू से महकाया हो, उस घर में शराब और बाजारू और छी। मैंने तो ये फूल और अगरबत्ती जलाकर इस घर को महकाने की कोशिश की है, लेकिन अगर अगर ये मेरी गलती है तो मैं अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे आपको और सुमन जी की आत्मा को दुख पहुंचे। मत रो बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा बेटी। तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना। परसों से जो बात मैं प्रेम को कह ना सका, आज वो तूने कह दिया। आज पहली बार मैंने प्रेम की आंखों में आंसू देखे। पत्थर का जिगर रखने वाले प्रेम को तूने तोड़ दिया, तोड़ दिया बेटी। सच बाबा? हाँ, पर वो आंसू, वो रोना, बाबा, वो सब कुछ तो ड्रामा था प्रेम बाबू को रुलाने के लिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप भी रोने लगेंगे। इन आंसुओं से हम प्रेम बाबू को रास्ते पर लाएंगे। ठीक कहा बेटी। प्रेम बाबू, अरे बाबा, प्रेम बाबू, ड्रामा करते ड्रामा। ठीक, हाँ। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। गलती तो प्रेम बाबू की है जो तुम्हारी भावनाओं को समझ ना सके। चुप हो जा। नहीं बाबा, गलती मेरी है। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं उनकी बीती हुई जिंदगी में झांकूं। आखिर मेरा उनका उनका रिश्ता ही क्या है, मैं उनकी लगती ही क्या हूँ। कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं, अनजाने में ही सही। लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गलती का प्रायश्चित मैं अपने आंसुओं से करना चाहती हूँ। बाबा आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए बाबा, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। बबली। प्रेम बाबू, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा आपके कमरे में नहीं जाऊंगी और ना ही सुमन जी की तस्वीर के आगे दिया जलाऊंगी। जलाओगी, जलाओगी और रोज जलाओगी। अगर एक दिन भी दिया नहीं जला तो वो दिया कभी नहीं बुझेगा प्रेम बाबू, कभी नहीं बुझेगा। ठीक है, पहले अपने आंसू पोछो। इसका मतलब आपने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं यकीन कैसे कर लूं आपने मुझे माफ कर दिया। ये भी तो हो सकता है कि आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए मुझसे झूठ बोल दिया हो। अच्छा ठीक है, बताओ यकीन दिलाने के लिए क्या करूं? बड़ा आसान सा तरीका है। क्या? मेरे हाथों से गर्मा गर्म नाश्ता करना होगा। नाश्ता? क्या हुआ प्रेम बाबू? आप? कुछ नहीं, तुम बनाओ, मैं आता हूँ। जी। देखा बाबा, बाबा सुना आपने, प्रेम बाबू ने सुना और देखा भी। बेटी किन शब्दों में धन्यवाद दूं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे पाप का भागीदार मत बनाइए। इन बूढ़ी आंखों में उम्मीद की लौ बुझ चुकी थी। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि प्रेम बाबू के होठों पर कभी हंसी आएगी। आज उन्हें हंसता हुआ देखकर मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। ये आंसू खुशी के हैं बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ बेटी। बाबा आपकी खुशी में ही मेरी भी खुशी है। कहीं हम दोनों की खुशी में प्रेम बाबू दुखी ना हो जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रेम बाबू के तैयार होने से पहले नाश्ता जो बनाना है। ओ, मैं तो भूल ही गई थी बाबा। ऐसे क्या देख रहे हैं बाबा?
देख रहा हूँ सुमन बहुरानी रूप बदलकर दोबारा इस घर में आ गई है। ये क्या कह रहे हैं बाबा? वही कह रहा हूँ जो मैंने महसूस किया। तुम्हारा हंसना, तुम्हारी बातें सुमन की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। लेकिन बाबा, ये भी तो हो सकता है कि एक महज एक संजोग है। बेटी, अगर ये संजोग है तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह संजोग बरकरार रहे। सत्यानाश हो तेरा बबली। अरे तेरा कभी भला नहीं होगा। कितना मारा प्रेम बाबू ने, मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मारते जा रहे थे। समझ में नहीं आता उनको कैसे समझाऊं, और ये बबली नाम का कांटा कैसे निकालूं। अरे मार डाला। गाय को चिल्ला रहा है गधे के जैसा। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? अरे जूली, अरे धोबी की तरह पिटाई हुई है तो गधे की तरह तो चिल्लाऊंगा ही। किसने पिटाई की तेरी? अरे प्रेम बाबू ने। प्रेम बाबू ने? जरूर तूने कोई गलत हरकत की होगी। अरे मैंने कोई गलत हरकत नहीं की, मुझे फंसाया गया, वो भी इतनी सी लड़की। तुझे पता है उसने मुझे कैसे फंसाया? पहले उसने मुझे उकसाया और उसके बाद उसने मुझ पर बलात्कार का इल्जाम लगा दिया। तो ये बात है जिसे मैं बच्ची समझ रही थी वो? अरे वो बच्ची नहीं, शैतान की खाला है। तुझे पता है उसने लैला के साथ क्या किया? अब लैला के साथ क्या किया उसने? अरे उसने उसे ऐसी दवा पिला दी कि बस अब वो कोई दवा पीने के लायक नहीं है। आजकल वो तो वो सब कुछ बिस्तर पे ही करती है। ऐसी कौन सी दवा पिला दी उसने? अरे घोड़ों को पिलाने वाली दवा, जमाल घोटा। अगर ये बात है तो एक बार उस लड़की से जरूर मिलना पड़ेगा। हाँ मिलो, प्रेम बाबू से एक बार मिल लो, वो लड़की खुद ब खुद सामने आ जाएगी, वो भी असली रूप में। तुम ठीक कह रहे हो हीरा, अगर बबली को रास्ते से हटाना है तो प्रेम बाबू से मिलना ही पड़ेगा। अरे जूली, तुम 4 दिन गोवा क्या चली गई? मैं तो अनाथ हो गया था जूली। ए भूतनी के, चल चल बकवास बंद कर, मेरे लिए एक पैक बना। साला आते ही मूड खराब कर दिया। अरे तेरा तो सुनकर मूड खराब हो गया, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जिंदगी तो मैं उसकी बर्बाद करूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी उसे। मजबूर कर दूंगी प्रेम बाबू को उसे घर से निकालने के लिए। अरे जूली, तू अगर ऐसा कर देगी तो मैं तेरे पास जिंदगी भर धो धो के पीऊंगा। अरे मैं जितनी भी मेरी दलाली की कमाई है वो भी गरीबों में दान कर दूंगा जूली। चल चल बकवास बंद कर, कुछ सोचने दे मुझे। क्या बात है बाबा, इतने गुस्से में आप कहाँ जा रहे हैं? प्रेम बाबू को जिस बुराई से बचाने के लिए तुम इतना सब कर रही हो, वही बुराई आज घर के अंदर आ गई है। किसकी बात कर रहे हैं बाबा, और कौन सी बुराई घर में आ गई? वो जूली। हाँ बेटी, जूली और प्रेम बाबू। ठीक है मैं देखती हूँ। रुक जा बेटी, वासना का एक घिनौना खेल कमरे के अंदर नहीं बाहर लॉन में चल रहा है। मुझसे तो ये बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो चला किसी ऐसी जगह जहां कुछ देर शांति से गुजार सकूं, और मैं तो कहता हूं तू भी मेरे साथ चल। नहीं बाबा आप जाइए, मैं देखती हूं। ठीक है। जूली डार्लिंग, बहुत देर हो चुकी है, चलो अंदर। इतनी भी क्या जल्दी है प्रेम बाबू? पूरी रात यही गुजारने का इरादा है क्या? इरादा तो आग लगाने का है प्रेम बाबू, पानी तो सिर्फ बहाना है खेलने के लिए। आप चलिए मैं आती हूँ। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जरा जल्दी करना। कैसी हो बबली? हाँ शायद यही नाम है ना तुम्हारा। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों
मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं हीरा नहीं हूँ जो अपने जाल में फंसा लोगी, और ना ही मैं लैला हूँ कि शरबत में जमाल गोटा मिलाकर मुझे पिला दो। तू अपनी खैर मना, याद रख छोकरी तू बस आज रात की मेहमान है। कल तक तो मैं प्रेम बाबू को मजबूर कर दूंगी तुझे इस घर से निकालने के लिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए तुम प्रेम बाबू की जिंदगी से चली जाओ। चली जाऊंगी प्रेम की जिंदगी से, लेकिन तुझे मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा। क्या रिश्ता है तेरा प्रेम के साथ? प्रेम के बिस्तर में प्रेम के साथ जवान की खेल मैं खेली और बुरा तुझे लगे, आखिर क्यों? हाँ वो मैं नहीं जानती, पर मुझे पता है क्योंकि तू प्रेम से प्यार करती है और तू नहीं चाहती कि मैं प्रेम की हम बिस्तर बनूं। पता ये सच है ना? तू प्रेम से प्यार करती है ना? हाँ हाँ मैं प्रेम से प्यार करती हूँ, और इस कदर प्यार करती हूँ कि उनकी जिंदगी में आने वाली हर नागिन का सर में कुचल रहा। अच्छा तो मैं नागिन हूँ तो ठीक है, अब देखना ये नागिन किस तरह से प्रेम के बेडरूम में, प्रेम के बिस्तर में, प्रेम के जिस्म से लिपट कर प्रेम क्रीड़ा का मजा लेगी। और हाँ बेडरूम का दरवाजा भी खुला रखूंगी, आकर जी भर कर देख लेना। तुझे उस लैग छोड़ूंगी तब ना। तेरी तो मैं अब दिखाऊंगी तुझे, मैं तुझे तो तू कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं, कहीं कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। प्रेम बाबू क्यों किया तूने ऐसा? क्या किया? जूली को जान से मारने की कोशिश की है तुमने, और पूछते हो क्या किया, क्यों किया तुमने ऐसा, जवाब दो। वो अच्छी औरत नहीं है प्रेम बाबू। अच्छे बुरे का फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? किसने दिया है अधिकार तुम्हें? मेरे दिल ने। What? ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं प्रेम बाबू, ये सच है। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको पाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेहुदा बात करने की? प्यार में बहुत हिम्मत होती है प्रेम बाबू, देखना चाहेंगे। I love you. चुप हो
तू फोजा बेवकूफ लड़के, वरना तुझे जान से मार दूंगा मैं। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक औरत से प्यार किया है, उसका नाम है सुमन। उसके साथ मैंने प्यार नाम का शब्द जलाकर राख कर दिया। दोबारा ऐसे जुबान से निकला तो जुबान खींच लूंगा, समझे तुम? I love you. अरे क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बेटी को, क्या हुआ प्रेम बाबू? शांत हो जा, ले जाओ मेरी नजरों से दूर, दोबारा यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। मैं भी तो सुनू, ऐसी क्या गलती हुई बबली से? एक गलती हो तो बताओ। हर बार मैं इसे बच्ची समझकर माफ करता रहा, लेकिन आज इसने ऐसी गलती की है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। इसे दूर ले जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं भी तो सुनू, ऐसी क्या गलती हुई है बबली से जिसके लिए इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप उसे? अगर ये बददिमाग लड़की सुमन की जगह लेना चाहती है, बबली के प्यार की छी कीमत चुकाई आपने प्रेम बाबू। और एक बात ध्यान से सुनिए, मैं सुमन से प्यार करता था, करता हूं और करता रहूंगा। सुमन की जगह तो इस जन्म में कोई नहीं ले सकता, बेहतर होगा इसे यहां से कहीं दूर ले जाइए। मैं जा रहा हूं, मेरे वापस आने तक ये यहां नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ बेटी, ये क्या हो गया? एक पत्थर दिल से तूने प्यार किया। बाबा, बाबा मुझे यहां से मत निकालिए, मुझे यहां से मत निकालिए बाबा। मैं प्रेम बाबू की नफरत के सहारे जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन उनसे दूर रहकर मैं नहीं जी पाऊंगी बाबा, मैं नहीं जी पाऊंगी। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। आ मेरे साथ, आ। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। मैं प्रेम बाबू को कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं बाबा, इसमें प्रेम बाबू की कोई गलती नहीं। उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। इतना सब होने के बावजूद तुम उसकी तरफदारी कर रही हो? अरे तुझे तो तेज बुखार है, चलो मैं तुझे अभी अस्पताल ले जाता हूँ। नहीं बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना। ठीक है, मैं डॉक्टर महेश्वरी को यही बुला लेता हूँ। मैं ठीक हूँ बाबा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। चलो तुम लेट जाओ, आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। आखिर ये हो क्या रहा है रामलाल? अंदर बबली की हालत सीरियस है और आप बाहर रो रहे हो। डॉक्टर साहब, मेरी बिटिया को बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए साहब। सब कुछ ठीक हो जाएगा रामलाल, पहले मुझे ये बताओ बबली की हालत हुई कैसे? डॉक्टर साहब, बबली के इस हालत के जिम्मेदार प्रेम बाबू है। क्या? मुझे पूरी बात बताओ। डॉक्टर साहब, जो होना नहीं चाहिए था वही हुआ। प्रेम बाबू, करती है तंग जिन
बंद हो चुका है सर। उठिए, सुबह हो रही है। सुबह हो गई? पता ही नहीं चला कब रात खत्म हो चुकी। सर यहाँ की एक खास बात है, रात कब गुजरती है पता ही नहीं चलता। सर अब उठिए, घर जाइए, घर वाले परेशान होते होंगे। अरे परेशान वहां होते हैं जहां कोई इंतजार कर रहा होता है। सर चेत, आपको मैं आपको घर तक छोड़ दूं? नहीं नहीं नहीं, मेहरबानी होगी अगर आप मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ देंगे। अरे सर, इसमें मेहरबानी की क्या बात है। काका, काका, काका। उस लड़की को बाहर निकाला कि नहीं? नहीं गई बबली, वो यही है। क्या? मेरे कहने के बावजूद भी उस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला जिसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई है? क्या आपने कभी उस लड़की के बारे में सोचा है जिसके दिल को आपने अपनी ठोकरों से लहूलुहान कर दिया है? होश में तो हो काका? जी, अभी तक तो मैं होश में हूँ प्रेम बाबू। अगर आप होश में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस घर का मालिक मैं हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है प्रेम बाबू, आप इस घर के मालिक हैं और मैं नौकर। आपका हुकुम मानना मेरा कर्तव्य है, पर बबली को इस घर में लाने का गुनाह आपने किया है तो उसे बाहर निकालने की सजा आप ही देंगे। क्या सोच रहे प्रेम बाबू, आगे बढ़िए। वो रहा सामने बबली का कमरा, अंदर जाइए और उसे खींच कर बाहर ले आइए। अगर उसका शरीर बुखार से तप रहा हो तो उसकी परवाह मत करना। अगर वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके तो उस पर तरस मत खाइएगा। उसे घसीटते हुए इस घर से बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो गुनहगार है आपकी। बहुत ठेस पहुंचाई है उसने आपके दिल को, बहुत ठेस पहुंचाई है, बहुत ठेस पहुंचाई है। Thank you.
अका, मैं शराब के नशे में था लेकिन आप तो होश में थे। उसकी हालत कितनी खराब है, इलाज क्यों नहीं करवाया? देख क्या रहे हैं, लगता है बुढ़ापे में सटिया गया है। हेलो डॉक्टर महेश्वरी। हाँ जी, प्रेम बोल रहा हूँ जी। वो बबली की हालत बहुत खराब है, जल्दी आइए प्लीज। थैंक यू। सर मैं भी तो देखूं प्रेम बाबू की पसंद कैसी है। चलो ठीक है, माफ किया, आप भी क्या याद रखेंगे। लेकिन मैं यकीन कैसे कर लूं आपने मुझे माफ कर दिया, ये भी तो हो सकता है। ये मुझे क्या हो रहा है, क्यों वो चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा है, क्यों मैं उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। आखिर क्यों उसकी आवाज मेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, आखिर क्यों, क्यों उसकी यादें परछाई बनकर मेरा पीछा कर रही हैं, क्यों आखिर क्यों। नहीं नहीं, ये झूठ है, झूठ है। मेरा पहला और आखिरी प्यार सुमन है, मेरी सांसों पर सिर्फ सुमन का अधिकार है, मेरे जीते जी कोई उसे छीन नहीं सकता, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। रामलाल काका। अरे रोहित बेटा आप यहाँ? हाँ अब हम यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम पापा के साथ रहेंगे। ये बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा काम तो मेरे दोस्त ने भी किया जो पापा की शराब छुड़ा दी। रोहित बेटा किस दोस्त की बात कर रहे हैं आप? आपकी बेटी और मेरी बेस्ट फ्रेंड बबली की बात कर रहा हूँ। काका आपकी बेटी आई मीन मेरी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? बेटा आपकी दोस्त अब चंद दिनों की मेहमान है। ये कैसे हो सकता है काका, मैं हॉस्टल छोड़ के दोस्ती की खातिर यहाँ आया हूँ, अब मैं बबली को कहीं नहीं जाने दूंगा, हम साथ साथ रहेंगे। बहुत प्यार करते हो बबली को? सच कहूँ काका, मम्मी के जाने के बाद मुझे कोई अच्छा लगा तो वो बबली है। काका सिर्फ बात ही करते रहोगे या मुझे उसके पास भी ले चलोगे? ठीक है बेटा चलो आओ, आओ। बबली बेटी देखो तो कौन आया है, रोहित बाबा आए हैं, हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। मैं भी कितनी बदनसीब हूं ना बाबा, रोहित के साथ रहने का मेरा वो सपना भी ना पूरा हो सका। बेटी तुम्हारा सपना सच होगा, मैं तुम और रोहित बाबा एक साथ मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद। यूं झूठी तसल्ली दे रहे बाबा, अब आपकी बेटी के जाने का समय आ गया है, मेरे जाने के बाद रोहित और प्रेम बाबू का ख्याल रखिएगा। चुप हो जा बेटी, भगवान के लिए चुप हो जा, बस थोड़ी देर और बोलने दो बाबा, उसके बाद हमेशा के लिए चुप हो जाएगी ये बबली, फिर कभी आपको परेशान नहीं करेगी, फिर कभी आपको तंग नहीं करेगी। फिर दोबारा अगर ऐसी बात करोगी तो याद रखना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। बेटा ऐसे क्या देख रहे हो रोहित, अपने दोस्त से हाथ नहीं मिलाओगे? रोहित आपने हमसे दोस्ती का वादा किया था, रोहित आपने हमसे दोस्ती का वादा किया था। इसी वादे को तो मैं यहाँ निभाने आया था बबली, लेकिन मुझे नहीं मालूम था
जो मेरी दोस्त है वो इतनी डरपोक है, जो जीने से डरती है। ए रोहित, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। जिंदगी हम अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन मौत, मौत के आगे हम सब लाचार हैं। फिर झूठ, आखिर झूठ में झूठ क्यों बोल रही हो तुम? अपने आप को इतना बड़ा दोष क्यों दे रही हो तुम पापा की गलतियां छुपाने के लिए? रोहित, मेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, तुम्हारे पापा नहीं। पापा की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, रामलाल काका ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जिंदगी की लौ बुझ गई तो वो दोबारा नहीं जल सकती। रोहित बेटा, तुम कब आया? अभी अभी आए पापा। अब आए हो तो मेरे साथ रहोगे ना? यही सोच के तो मैं यहाँ आया था, लेकिन आपको मंजूर नहीं। ये क्या कह रहे हो? ठीक ही कह रहा हूँ, हम तो घर का रास्ता भूल ही गए थे। जिस दोस्त ने हमें घर का रास्ता बताया, आपने उसी दोस्त को मौत के रास्ते भेज दिया। रोहित, चीखने से सच्चाई नहीं बदल सकती पापा, आपने ऐसा क्यों किया? ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस इतना जानना जरूरी है कि वो लड़की इस घर में रहने के लायक नहीं है। आप इस घर की बात कर रहे हो? आपने तो उसे दुनिया में रहने के लायक नहीं छोड़ा। रोहित, बहुत बोलने लगे हो तुम। बहुत अच्छा किया आपने पापा, जो आपने अपनी ये हसरत भी पूरी कर ली मुझे पर हाथ उठा के। रोहित, पापा आप अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लीजिए, मुझे जी भर के मार लीजिए, मैं उफ तक नहीं कहूंगा, पर मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए। मैं जानता हूँ पापा, आपकी नजरों में मेरी दोस्त की जान की कोई कीमत नहीं है। मैं जा रहा हूँ पापा। रोहित रुक जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ तो मैं दोबारा इस घर में कभी लौट के नहीं आऊंगा। ये क्या कह रहे हो? मैं जा रहा हूँ। रोहित, हेलो। कैसे हो प्रेम? मैं सोनिया बोल रही हूँ। जी रहा हूँ बस, कमबख्त मौत भी नहीं आती। कैसी बातें कर रहे हो प्रेम? ठीक कह रहा हूँ सोनिया, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, कोई नहीं है मेरे पास। सोच रहा हूँ इस जिंदगी को खत्म कर दूँ। प्रेम, भूल कर भी कभी ऐसा कदम मत उठाना। क्या करूँ सोनिया, यहाँ मेरा दम घुटता है। तुम मेरे पास चले आओ प्रेम, जल्दी। ठीक है सोनिया, मैं अभी आता हूँ। पी ले बेटी, आराम से, बस बस बस, सोचा, आराम से, आराम से। बाबा, मैंने बहुत परेशान किया ना आपको। अरे बेटी, पिता के लिए परेशानी कैसे हो सकती है? अब तुम जल्दी से अच्छी होने वाली हो, ऐसा डॉक्टर साहब कहते थे। क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हैं बाबा? मैंने अभी अभी बंद आंखों से अपनी मौत को आते हुए देखा है बाबा। फिर से अगर मौत का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई न होगा। आप बहुत अच्छे हैं बाबा। अच्छा हूँ इसलिए बार बार रुलाती हो अपने बाबा को? अब कभी नहीं रुलाऊंगी बाबा। बाबा, बाबा मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे यहाँ से ले चलिए बाबा, मुझे यहाँ से ले चलिए। ठीक है, मैं अभी तुझे बाहर लॉन में ले जाता हूँ, वहाँ खुली हवा में तेरा मन लगेगा। मुझे लॉन में नहीं जाना बाबा, मुझे मुझे प्रेम बाबू के कमरे तक ले चलिए ना। इतना सब होने के बावजूद? बाबा, मैं कुछ देर प्रेम बाबू के कमरे में गुजारना चाहती हूँ, बदले में मैं उनकी डांट खा लूंगी, मार भी खा लूंगी बाबा, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उनके कमरे में ले चलिए, ले चलिए ना बाबा। क्या सोचने लगे बाबा,
क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी नहीं करेंगे? अभी अभी मैं तुझे प्रेम बाबू के कमरे में ले जाता हूँ। अंजाम जो भी हो उसकी मुझे परवाह नहीं। चलो चलो बेटी चलो। चलो आराम से चलो चलो आराम से। इस तरह वो लड़की मेरे बेडरूम में घुसकर सुमन की जगह लेना चाहती थी, लेकिन मेरे जीते जी ये संभव नहीं है। प्रेम, जहाँ तक मैं सुमन को जानती थी वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसी की यादों पर तो मैं जी रहा हूं। और बबली का प्यार? बबली का प्यार क्या है प्रेम, क्या तुमने कभी सोचा है? बबली का प्यार सिर्फ एक बचपना है, जिद है और ज्यादा कुछ नहीं। नहीं प्रेम, बबली का प्यार एक जिद नहीं, एक जुनून है। एक ऐसा जुनून जो लहू बनकर उसकी रगों में दौड़ रहा है। मैंने उसकी आंखों में एक ऐसा जुनून देखा है जो कभी सुमन की आंखों में देखा था। मुझे तो लगता है बबली के रूप में सुमन वापस आ गई है, प्रेम की खातिर, तुम्हारी खातिर। यहाँ तो मैं आया था अपनी परेशानी दूर करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी परेशानियां और बढ़ा दी। तुम जिसे अपनी परेशानी समझ रहे हो, दरअसल वही तुम्हारा सुकून है प्रेम। तुम बिल्कुल उस मृग की तरह हो जो कस्तूरी की गंध से शराब और कस्तूरी की तलाश में दर दर भटक रहा है, जबकि कस्तूरी उसी की नाभि में होती है। ठीक उसी तरह बबली प्यार की कस्तूरी बनकर तुम्हारी जिंदगी में आई है, उसे कबूल कर लो। मुझे पता है कि आप बच्चे नहीं बच्चे के पिता हैं। कपड़े तो मैं तभी पहनूंगी जब प्रेम बाबू खुद मेरे लिए खरीद कर लाएंगे। सर मैं भी तो देखूं प्रेम बाबू की पसंद कैसी है। करो ना प्यार। आहिस्ता आहिस्ता आराम से। बाबा हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। कैसा एहसान बेटी? तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं बाबा, मुझे भूख नहीं लगी। आप तकलीफ मत उठाओ। तकलीफ तो मुझे तब होगी जब तुम कुछ न खाओगे। आता हूँ मैं, आता हूँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि आप बार बार मुझे दूध पीने के लिए डांट रही हैं। तुम इस लिबास में? तन ढकने के लिए जो मिल जाए वही ठीक है। अच्छा ठीक है, बताओ यकीन दिलाने के लिए क्या करूं? पागल लड़की है। हाँ प्रेम बाबू, मैं आपका कल तक का सेवक हीरा। हट जा मेरे रास्ते से, मुझे तेरी बात नहीं सुननी है।
अरे कैसे हट जाऊं प्रेम बाबू, पहले आपके साथ एक सौदा जो करना है। सौदा? कैसा सौदा? पहले मैं आपके लिए लड़की सप्लाई करता था और आप उसकी कीमत देते थे, साथ में बख्शीश भी, पर आज आपको मेरे लिए लड़की सप्लाई करनी होगी, मैं इसकी कीमत दूंगा, कीमत के साथ साथ बख्शीश भी दूंगा। अरे जरा ठहर तो जाइए प्रेम बाबू, पहले ये तो जान लीजिए कि आपको कौन सी लड़की की दलाली मेरे लिए करनी है। उस खूबसूरत नगीने का नाम है बबली। काका, काका, बबली कहाँ है? वो अभी जिंदा है। जिंदा है लेकिन है कहाँ? आप उसे घर से निकालोगे तो नहीं? बबली का इसमें कोई दोष नहीं है। काका मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, बबली कहाँ है? बबली आपके कमरे में है। कमरे में आप उसके साथ ऐसा कोई सुलूक मत कीजिएगा कि वो समय से पहले आंखें बंद कर ले। आ, 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 आ,
बहुत देर कर दी। मेरी जिंदगी है यारा बस तेरा प्यार।